ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि मुझसे ज्यादा तो यही पढ़ती है ना। लो 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 अपना कॉपी लो बाबा लो। हाँ तुम पढ़ाई। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और मैं भी स्टडी अपना अच्छे से कर रही हूँ। और अभी बता दो कि सुबह के अभी 10 बज रहे हैं और मेरा सारा काम हो चुका है। मैं नहा धोकर फ्रेश हो चुकी हूँ और खाना भी बना चुकी हूँ और थोड़ा चाय पी रही हूँ, क्योंकि होता है कि थोड़ा समर में नींद आने लगता है। तो इस वजह से मैं क्या कर ले रही हूँ कि थोड़ा चाय पी लेती हूँ तो इससे नींद नहीं आएगा मुझे और मैं फ्रेश फील करूँगी। क्योंकि सोने में क्या रखा हुआ है? कुछ नहीं। आप सोने से आपका टाइम ही वेस्ट होगा, ये मेरा थिंकिंग है। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ या कभी 4:30 बजे या 5 बजे, लेकिन मैं उठ जाती हूँ, उसी टाइम पढ़ती हूँ उठ के सुबह, जो मैं मॉर्निंग का ब्लॉग में आपको बता मैं जो मॉर्निंग का ब्लॉग अपलोड करती हूँ। तो मैं सुबह का जो पढ़ चुकी हूँ वो तो मैंने अपलोड कर ही दिया है। और मैं उसके बाद के बारे में जो मैं बाद में पढ़ रही हूँ वो मैं ब्लॉग बनाई हूँ। तो मैं नहाना धोना मेरा सारा काम हो चुका है और बेबी अभी सो रही है, तो मैं अपना स्टडी कर रही हूँ। तो देखते हैं कितना देर वो सोती है, उसके बाद मैं उसी अनुसार काम करूँगी। तो एक बार में वो कम से कम 1 आवर तक 2 आवर तक सो आती है, तो मेरा वही टारगेट रहता है स्टडी करने का। तो मैं अभी यहाँ खोठा पढ़ रही हूँ, तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। देख सकते हैं मेरे पास नोट्स है, कंप्यूटर का नोट्स है। तो अभी मैं जे एस एस सी सीजल की तैयारी कर रही हूँ और उसके एग्ज़ाम्स 1 और 2 मंथ में होने वाले हैं। अभी डेट क्लियर नहीं हुआ है, तो हम लोगों को डेट से मतलब नहीं रखना है। हम लोगों को अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, अच्छे से तैयार रखना है, अपने कंटेंट को, अपने सिलेबस को पूरा करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास छोटा बच्चा है, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा ताकि मैं उसे प्रिपेयर कर सकूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस वजह से तो मैं क्या करती हूँ, मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं उसमें अपने स्टडी को कवर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है जितना कि स्टूडेंट के पास होता है। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ कंप्यूटर, तो मेरे कंप्यूटर के लिए कोई बुक नहीं प्रेफर किया है, क्योंकि आपके पास इंटरनेट में ऑलरेडी सब अवेलेबल होता ही है। क्या है कि मैंने PDF निकाल लिया है 100 क्वेश्चन का कंप्यूटर का, और मैं उसी को पढ़ रही हूँ, देख सकते हैं। तो आज मैंने 50 क्वेश्चन तक कर लिया है और फिर उसको रिविज़न करूँगी, फिर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 100 क्वेश्चन निकालूंगी। इस तरह से करके तैयारी करूँगी। टारगेट है कम से 1000 क्वेश्चन मुझे करना है कंप्यूटर का। और साथ में मैं खोठा भी कर रही हूँ, मेरा ऑप्शनल खोठा है। उसके बाद जब मैं कंप्यूटर को और खोठा को कर लूँगी तो मैं मैथ की तरफ जाऊँगी और रीजनिंग की तरफ जाऊँगी। देखिए यही होता है बच्चों के साथ पढ़ना। अभी खेल रही थी, मेरे पास आ गई है। तुम भी बोलो, बोल दो, बोलो बोलो। अरे बाप रे। हेलो हेलो, कैसा रहेगा कि मैं रिद्धि का स्टडी ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो यही पढ़ती है ना? तुम पढ़ती है ना? बोल दो कि हम पढ़ते हैं। हाँ डेली पढ़ते हैं, एक दिन भी नहीं छूटता है मेरा पढ़ाई। हाँ मम्मा पढ़े या ना पढ़े, हाँ हम डेली पढ़ते हैं। दिखा दो कॉपी अपना, दिखा दो, देखो दिखा दो कि देखिए मेरा कॉपी है, दिखा दो कि हाँ मेरे से बड़ा मेरा कॉपी है, दिखा दो। लो 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 अपना कॉपी लो बाबा लो। हाँ तुम पढ़ाई करो, तुम्हारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जल्दी पढ़ो। हाँ पढ़ो पढ़ो, चलो पढ़ो। चलो तुम ही पढ़ो, जाने तो पढ़ोगी तब ना, जा पढ़ो जा, तुम पढ़ लो ठीक है।